मर ले रहे नाइट में आज घूमा था फ्लाइट में। जी हाँ, एक और विवादित गाना अक्षरा सिंह का पवन सिंह के ऊपर। आपने देखा होगा कि कल ही पवन सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है, अक्षरा के पिता को जवाब दिया है, और तो और लाइव में आके बकायदा उन्होंने एक्शन करते हुए ये बातें कही हैं। और आपने ये वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो पर चैनल पर देखा ही था। और अब इसी बात का जवाब देते हुए अक्षरा सिंह, जो कि अभी बिग बॉस के घर में है, लेकिन वो ये गाना रिकॉर्ड कर गई हुई थी। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह का ये जो गाना है वो किसी और के ऊपर नहीं है, पवन सिंह के ऊपर ही है। ये पूरी तरह से विवादित गाना है। कल ये गाना रिलीज हो रहा है सुबह 6 बजे अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जो लोग अक्षरा और पवन सिंह के फैन हैं उनके लिए ये गाना है, लेकिन ये गाना वाकई बहुत ही विवादित गाना है। जिन लोगों ने ये गाना सुना है सभी कह रहे हैं कि ये गाना तब का है जब सिलवासा में पवन सिंह ने अक्षरा को मारा था और अक्षरा रातों रात सेट छोड़कर चली गई थी, शूटिंग छोड़कर चली गई थी माँ तुझे सलाम की। ये गाना उसी जो वाकया हुआ था उसी को दर्शाता हुआ है। और इस पोस्टर में एक लड़के की फ़ोटो, एक आदमी की जो फ़ोटो यूज़ की गई है वो हूबहू पवन सिंह जैसा लगता है, क्योंकि उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई गई है, उसे पूरा झुका हुआ दिखाया गया है, लेकिन वो पवन सिंह जैसा ही दिखता है। पवन सिंह की कटकाठी नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे इस गाने के बारे में, आपका क्या रिएक्शन है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।